महाद्वार सभी भाइयों को आज यार तुम्हारा भाई फिर से यार वापस आ चुका है बीजेएमआई अनबैन के रिगार्डिंग वीडियो लेके, जिसमें मैं यार आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से यार रूबरू कराने वाला हूँ। और यार साथ ही मैं यार आपको यार C3S7 के बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना और यार इस वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही मैं यार इस चैनल पर भी यार जितने भी भाई लोग नए नए आए तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार 700 सब्सक्राइबर्स यार कंप्लीट होने पे भाई मैं 5 रिडीम कोड का गिववे करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी यार तुम लोग 700 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले जो यार हमारा C3S7 था उसको यार रिसेट करके फिर से 2 मंथ्स के लिए यार आगे बढ़ा दिया गया है। और यार ये पुराना वाला मोड भी यार हटने का नाम नहीं ले रहा है, इसी से यार आधे प्लेयर्स बोर हो चुके हैं और यार आधे तो यार फिर से वही सीज़न खेलने से यार बोर हो जाएंगे। मतलब कि यार इस टाइम बीजेएमआई बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। और यार जो हमारे बीजेएमआई का 2.2 का अपडेट है वो यार शायद आज लॉन्च हो जाएगा KR में भी। अगर यार आप लोग उसका ट्रेलर नहीं देखे हो तो यार इसका ट्रेलर देख लो आप लोग। और यार अगर ये आपको मोड खेलना हो तो यार आप लोग KR डाउनलोड करके यार खेल सकते हो। और यार इस मोड का नाम है यार गियर फ्रंट। और यार ये आने वाला है भाई इरेंगल नूसा और यार लिविक के अंदर। और यार इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर यार आप USZ को यार कहीं भी बुला सकते हो, मीन्स यार जोन के बाहर या और कहीं पे भी। तो देखो यार ये तो हो गई भाई ट्रेलर और यार अपडेट की बात। बट यार अब मैं यार आपको कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ यार बीजेएमआई से रिलेटेड। तो देखो यार अभी एक बंदे ने यार गवर्नमेंट को RTI फाइल किया है। बट यार आप लोग ये सोचोगे कि भाई ये RTI क्या होता है, तो सुनो यार इसका मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और यार यहाँ पर एक बंदे ने यार लिखा है गवर्नमेंट को कि यार आखिरकार क्या वजह था बीजेएमआई को प्ले स्टोर और यार ऐप स्टोर से हटाने का। और यार यहाँ पर गवर्नमेंट के भी तरफ से एक रिप्लाई आता है कि अंडर एक्ट 69A के तहत गेम को यहाँ से हटाया गया है। और यार नीचे उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, बट यार ओवरऑल मिला कि यही वजह निकलता है कि सिक्योरिटी रीज़न के वजह से भाई इस गेम को हटाया गया है। और उनका ये भी कहना है कि भाई इसका रिसर्च यार बहुत पहले से हो रहा था, जैसे कि यार कुछ मंथ्स पहले एक लीक बाहर आया था कि यार बीजेएमआई का चाइना से कनेक्शन है या फिर यार बीजेएमआई को अंदर ही अंदर टेंसेंट ही मैनेज कर रहा है। और यार भाई ये चीज़ गवर्नमेंट ने यार खुद बताया है बैन करने का रीज़न, तो यार भाई आप लोग इसमें रियल और फेक नहीं बोल सकते। और उसके बाद यार उसी बंदे ने एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या अभी गवर्नमेंट और क्राफ्टन के बीच मीटिंग हुआ है, और अगर हुआ भी है तो इसका क्या आउटकम निकल रहा है। तो यार इस पर भी यार गवर्नमेंट की तरफ से एक रिप्लाई आता है कि हाँ यहाँ पर मीटिंग हुआ है क्राफ्टन और गवर्नमेंट के बीच में। और फिर यार उन्होंने ये भी बताया कि यार एज़ पर रूल 16 के हिसाब से ये आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये बहुत सीक्रेट बात होती है यार ऑफिशियल के बीच में। बट यार यहाँ पर ऋषभ भाई ने यार इसको थोड़ा सा यार हम लोग को बताया है यार अपने स्टोरी के थ्रू कि क्राफ्टन यहाँ पर एक ऐसा कंपनी ढूंढ रहा है जो कि यार चाइना के ऊपर एलोकेट होगा। जैसे जब यार बीजेएमआई स्टार्टिंग में इंडिया में आने वाला था तब से यार ये हवा उड़ा हुआ था कि यार क्राफ्टन किसी नेटवर्क कंपनी के साथ यार कोलैबोरेशन करने वाली है, जैसे कि यार जियो के साथ, वोडाफोन के साथ या एयरटेल के साथ। बट यार अभी ये चीज़ यार थोड़ा कंफर्म हो चुका है कि यार क्राफ्टन शायद यार जियो के साथ ही यार कोलैबोरेशन करे, क्योंकि यार अंबानी जी ने यार बहुत पहले बोल दिया था कि यार वो इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेम को यार बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो शायद यार इससे अच्छा यार चांस उनको और यार क्राफ्टन को नहीं मिलेगा। और यार उसके बाद यार इन्होंने अपनी स्टोरी पे ये भी लिखा है कि मैप, स्किन्स, थीम एंड कैरेक्टर विल बी चेंज लाइटली, यानी कि जो यार अब हमारा न्यू बीजेएमआई आने वाला है उसका मैप, स्किन, कैरेक्टर और यार थीम सब अलग मिलेंगे। और यार उसमें पबजी मोबाइल की तरह यार अपडेट भी नहीं आने वाला है, और यार उसमें यार हम लोग को अलग अपडेट और यार अलग रॉयल पास भी देखने को मिलेगा। और यार उसके बाद यार आप लोग के मन में ये डाउट
आउट होगा कि क्या यार हमारा ओल्ड आईडी और यार उसका इन्वेंटरी सब चीज़ यार हमें न्यू वाले बिजमाई में देखने को मिलेगा। तो देखो यार क्राफ्टन भी यार अपनी पूरी एफर्ट लगा रही है कि यार वो सबकी पुरानी आईडी यार न्यू वाले बिजमाई में दे, और यार अगर क्राफ्टन ऐसा नहीं करती है तो जो यार पुराने प्लेयर्स है वो यार शायद ही यार गेम को खेले, और यार ये चीज़ भी यार क्राफ्टन को बहुत अच्छी तरह से यार मालूम है। तो यार वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि भाई जो हमारी पुरानी आईडी है वो यार नए वाले बिजमाई में यार हम लोग को दे। और यार उसके बाद यार ईसा भाई ने ये भी बताया कि जो यार 2.2 का अपडेट है वो बिजमाई में नहीं देखने को मिलेगा। अब से यार जो भी अपडेट आएंगे वो यार बहुत अलग अलग आएंगे भाई पबजी मोबाइल से। और यार उसके बाद यार उन्होंने ये भी बताया है कि जब तक यार गेम वापस नहीं आ जाता तब तक यार इन गेम परचेज यार नहीं कर पाएंगे आप लोग। और यार लास्ट में मैं यार आपको बता दूं कि यार ये सब प्रोसेस में यार क्राफ्टन को दिसंबर तक का यार टाइम लग सकता है, और यार ये गेम यार हमें 2022 के लास्ट मंथ में भी यार देखने को मिल सकता है। मतलब कि यार आप लोग समझ जाओ कि भाई इतना लंबा प्रोसेस यार क्राफ्टन बहुत जल्दी ही ख़त्म करने वाली है। तो यार ज़्यादा वेट यार हम लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो बस यार भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर यार तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लोग यार लाइक ज़रूर कर देना, और यार कमेंट में भी यार तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। और यार इस वीडियो को यार अपने सभी दोस्तों में यार ज़रूर शेयर कर देना। और यार तुम्हारा भाई यार सोशल मीडिया वगैरह पे भी है तो तुम लोग यार जाके वहाँ पे भी यार फॉलो कर सकते हो। और यार इस चैनल को यार तुम लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यार बेल आइकन को भी यार ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं यार आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए यार भाई मेरे साथ बोलो जय श्री राम।